सो फाइनली गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मजेदार टेक। तो क्या आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के बैटरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो? क्या आप भी जब चार्ज करते हो फुल करते हो बट जब उसे यूज़ करते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है? अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब हमारा फ़ोन जूना हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत कम चलने लगती है, हम थोड़ा बहुत ही गेम प्ले कर पाते और पूरी की पूरी बैटरी उतर जाती है। तो आज का ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी बैटरी बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगी। कुछ सेटिंग करनी होती है और एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर सारी की सारी सेटिंग मिल जाएगी और आप उस एप्लीकेशन की मदद से क्या कर सकते हो, अपने एंड्रॉयड फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा सेव करके रख सकते हो। तो आप भी चाहते हो ऐसा करना तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है। बैटरी को सेव करने के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे आप प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग वगैरह देख सकते हो, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा एप्लीकेशन फायदे का है। तो यहां पे आपको बैटरी सेवर का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। वैसे तो इसमें तरीके तो बहुत है बैटरी सेव करने के, मैं कुछ ही तरीके बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जब एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, यूज करने लगोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम कौन से तरीके से बैटरी को ज्यादा सेव कर सकते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले तो क्या करना है, आप लोगों को ऑप्टोमाइज नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑप्टोमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर यहां पे अनेबल नाउ पे क्लिक करना है, फिर यहां से एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है, फिर यहां से बैक कर लेना है। जैसे आप बैक करोगे क्या करेगा कि आपके फोन में जितने भी जंक फाइल्स हैं उन्हें क्या करेगा, क्लीन कर देगा और ऑप्टोमाइज आपके फोन के बैटरी को कर देगा। तो यहां पे फिर ऐड आएगा तो क्या करना है, सिंपली ऐड को क्या करना है, यहां पे कट कर देना है, यहां पे ऐड को कट कर देना है। ऐड को कट करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहां पे आप देख सकते हो जैसे कि आपको कूल डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर उसके बाद यहां पे क्या मिल जाएगा, इतना जंक फाइल से इसे क्लीन कर देना है, फिर उसके बाद यहां पे कूल का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले इसे क्लीन कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो जंक फाइल्स है उन्हें क्या कर देगा, यहाँ पे क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, उसके बाद भी और नीचे आपको देखा, आपको देखने को मिला ही था, तो यहाँ पे फिर से ऐड आएगा तो ऐड को कट कर देना है। फ्री की एप्लीकेशन में ऐड देखने को मिलती है आपको भी पता है, तो कट कर देना है। कट करने के बाद क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो ऑप्टोमाइज का ऑप्शन था वो कर देना है फिर से एक बार यहाँ पे, तो फिर से वेट कर लेना है थोड़ा सा, यहाँ पे फटाफट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी हो गया, यहाँ पे देख सकते हो क्लियर्ड। तो अभी क्या करना है, फिर से ऐड, तो ऐड को कट करना ही पड़ेगा, तो वेट करना है, ऐड को कट कर देते हैं। ऐड को कट करने के बाद फिर यहाँ पे कूल का जो ऑप्शन दिखेगा आप कूल भी कर देना इसे। तो यहाँ पे करेंगे क्या होएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा फ़ोन को क्या करेगा, कूल कर देगा, यानी कि हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और बैटरी तो सही आपका होगा ही, यहाँ पे आपके फ़ोन में हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे गेम वगैरह प्ले कर रहे हो तो हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही तो कूल कर देना है फ़ोन को, तो यहाँ पर हीटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हो गई है और यहाँ पर आपको क्या बोला, 9 एप्स आर रनिंग, तो ऑप्टोमाइज इन्हें कर देना है। 9 एप्लीकेशन जो चल रही है यहाँ पे आप देखो तो सीपीयू क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा स्कैन कर रहा है आपके फोन को। तो इस तरह कट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, बैक चले जाना। अब यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको भी पता है हो चुकी है, अब यहाँ पे फटाफट क्या करना है, कट कर लेना और बैक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो योर डिवाइस इज क्लीन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके फोन में अब कोई भी जंक फाइल्स नहीं है जिनकी वजह से आपके फोन की बैटरी उतरेगी। अब आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा सेव है। जब आप बैटरी को फोन को ज्यादा यूज करते हो तो बार बार क्या करना है, ऑप्टोमाइज करना है और इस बैटरी सेवर को ऑन करके रखना है। बस उसके बाद क्या होगा कि आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा सेव होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।